बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद और हम आपको मॉडर्न करा फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक चावल की फील्ड में मौजूद हैं। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है। और यहाँ पे एक दो जो मसले आ रहे हैं अभी तक भी, वो क्या वजूहत हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप ये देखें, कहीं भी फील्ड में देखेंगे, यहाँ अगर हमारे दोस्त दिखाएँ तो कहीं कहीं जो है ना दाना खाली आ रहा है, या ये इस तरह का सफ़ेद हो रहा है, तो वहाँ पे जो है ना दाना नहीं है। उसकी वजह क्या है वो आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो धान है, आपको आप सब दोस्त जानते हैं, इसको जो है ना जो सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, एक होता है पानी, दूसरा जो है ना इसको बोरर से हमने बचाना। अगर इन दो चीज़ों को हमने अगर अपने काबू में कर लिया तो हमें फील्ड जो है ना एक अच्छी जो है ना पैदावार दे सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे ये बोरर का इशू आ रहा है या जो सफ़ेदी नज़र आ रही है, खाली है, वो वहाँ जो है ना हमने दानेदार जो एप्लीकेशन करते हैं उसमें हमने गैप ज़्यादा दे दिया, या फिर हमने एप्लीकेशन की ही नहीं। हालांकि जो इसका जो प्रॉपर तरीका है धान में एप्लीकेशन के, क्योंकि ये तो अब तैयार है, आगे जो हमने पनीरी लगी हुई है 1509 है या कैनात की, अब शिफ्ट भी हो रहे हैं अक्सर, तो वहाँ पे जो हमने बेसिकली दानेदार की जो एप्लीकेशन हमने करनी होती है, वो आपको आज मैं तरीका इसमें बताऊँगा, ताकि जो है ना हमारी जो है ना पैदावार हो सब मुतासर ना हो, लॉस हम ना करें। तो सबसे पहले जब आप अपनी धान शिफ्ट कर लेते हैं, पनीरी इसकी शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपको 20 से 25 दिन बाद जो है ना आपको दानेदार की एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर हम संक्राब की बात करें, इनके पास स्टार है जिसमें कार टेप है, इसके अलावा कमांड सुपर है 4 किलो का, वो भी हम एकड़ में जो है ना इसकी एप्लीकेशन कराते हैं। और इसका जो दुरानी होता है, आप जो फर्स्ट डे से 25 दिन तक आप एक एप्लीकेशन करें, उसके बाद उससे 20 दिन बाद आप एक और एप्लीकेशन करें, अगर फिर भी आपको वहाँ पर नीड नज़र आती है, कहीं बोरर नज़र आता है, तो वहाँ पर आप जो है ना आपने उसके 20-25 दिन बाद दोबारा एक एप्लीकेशन करनी है, ताकि मिनिमम भी आप जो है ना 3 एप्लीकेशन करेंगे, फिर जाके आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बोरर भी नज़र नहीं आएगा। जिस तरह ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सफ़ेदी नज़र आती है, तो इसमें कुछ दाने हैं, लेकिन अक्सर जो है ना आप देखेंगे ये पूरे पूरे एक मतलब गुच्छा ही बिल्कुल खाली होता है, उसमें एक दाना भी मौजूद नहीं होता, तो उसको हम फिल करने के लिए दाना, ताकि खाली ना रहे, हमारी एक अच्छी पैदावार है, उसके लिए आपको बोरर को काबू करना ज़रूरी है। उसके लिए जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहली एप्लीकेशन आपने फर्स्ट डे से 25 दिन की आपकी फील्ड लोगे, आप एक एप्लीकेशन कर दें, उसके बाद आपकी 45 दिन की फील्ड लोगे, फिर दूसरी एप्लीकेशन, इसी तरह 65-70 दिन की जब आपकी फील्ड हो जाती है, तो आपने इसमें तीसरी एप्लीकेशन कर देनी, ताकि जो ना हमारी पैदावार और सब पास। इसके अलावा हमारा पत्ता लपेट सुंडी का भी मसला आता है और फंगस का भी मसला आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हमारी पैदावार हो सक मुतासर हो सकती है। तो जहाँ फंगस का मसला आता है, वहाँ संक्राब पॉलिश के नाम से प्रोडक्ट 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप करेंगे, उसमें कसौगा मेसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वहाँ पर एक स्प्रे मिनिमम, क्योंकि इसमें बैक्टेरियल डिजीज़ भी जो होती है वो आप किसी को इंसेक्टिसाइड से कवर नहीं होती, इसी पॉलिश से होती है, तो वो वहाँ करना चाहिए। इसी के साथ हमारा एक प्रोडक्ट और एजेस टॉनिक है, जापानी फार्मुलेशन है, आप जो है ना उसको भी 600 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने फील्ड में जो है ना कर सकते हैं, तो उससे आपका बैक्टीरियल डिजीज़ और जो है ना पत्ता लपेट सुंडी के लिए आप लैम्डा या संक्राब स्टार विन के नाम से 180 ml पर एकड़ के हिसाब से स्पेशल जो है ना आपका जो है ना धान के लिए पत्ता लपेट सुंडी के लिए, वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश यही करें, ये माशाल्लाह हमारे मलिक असगर साहब, इनका एक फील्ड बहुत अच्छा फील्ड पड़ा है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो इस तरह के ये फील्ड में जो है ना सफ़ेदी कुछ गुच्छे नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह क्या बनी, उन्होंने एप्लीकेशन 2 दफ़ा की, और 2 दफ़ा में भी उन्होंने टाइम टेकिंग मतलब टाइम ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से ये सफ़ेद जो है ना गुच्छे आ गए और उसमें बिल्कुल खाली। तो हम कोशिश ये करें कि अपनी फील्ड को मुनासिब टाइम पे जो है ना, जो जब जब पानी मांग रही है, खाद मांग रही है, फर्टिलाइज़र मांग रही है, जिस टाइम मांग रही है, स्प्रे मांग रही है, उस टाइम करें, बे टाइम पर ना, क्योंकि जब बे टाइम पर करते हैं हमारा ख़र्चा भी हो जाता है और चीज़ नुकसान भी हमारा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जो ना हम अपनी पैदावार अच्छी लेने के लिए
ٹائم پہ جو ہے نا ترتیب چیزوں کو دیں تاکہ جو ہے نا ہماری پیداوار اس کو متاثر ہو۔